नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। घट रहे कोरोना संक्रमण के मामले, बीते 24 घंटे में 41,000 नए मामले, 593 लोगों ने गवाई जान। वॉइस एडमिरल SN घोरमंडे ने संभाला नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार, रह चुके हैं डिफेंस स्टाफ प्रमुख। 144 नए IPS अधिकारियों को PM मोदी का मंत्र, बोले अपराध से निपटने के लिए प्रयोग जरूरी। केंद्रीय व राज्य मंत्रियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। कर्नाटक के CM बोमई बोले बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, GST रिफंड के लिए वित्त मंत्री से करेंगे मुलाकात। भारी बारिश में 9 लोगों की मौत, दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट। यूपी बिहार राजस्थान और झारखंड में झमाझम बरसेंगे बादल। भारत चीन विवाद के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता जारी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर ठोस नतीजे की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमकर बारिश, घरों में घुसा पानी। दिल्ली में शाम 4 बजे JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पार्टी के नए अध्यक्ष पर होगी चर्चा। दिल्ली के लिए राहत की खबर, खतरे के निशान से नीचे आया यमुना का जलस्तर। हॉकी में टीम इंडिया की शानदार जीत, साउथ अफ्रीका को 4-3 से हराया। झारखंड के जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब। पंजाब में दर्दनाक हादसा, बारिश में टूटे बिजली के तार से करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ऐसे विधायकों ने की बैठक, 2 मंत्री पद मांगे, छात्रवृत्ति घोटाले का मुद्दा भी उठाया। अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आज शाम 4 बजे तक होगा अपलोड। झारखंड के शिक्षा मंत्री बोले जिंदा रहा तो इंटर की परीक्षा भी दूंगा और पास भी करूंगा। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।